हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का जो सेशन है ना वो एमसीक्यूज ऑन बिजनेस फाइनेंस पे है बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस हमने बीकॉम की बुक से ही ऑप्ट किए हैं एंड जो हमारा बीकॉम में बेसिकली सब्जेक्ट था चाहे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें बी की बात करें या उड़ीसा सी की बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बात कर लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है जो कि एंट्रेंस में कवर करता है बट हमने आज का जो सेशन रखा है ना वो वो सारे क्वेश्चंस वही हमने इंक्लूड किए हैं जो आपकी बीकॉम की बुक में कवर किए हुए थे तब तो वहाँ ना सारे क्वेश्चन नो डाउट हमने शीट में इंक्लूड कर लिए बट सारे क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो रेलिवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे और जो इनरेलीवेंट है ना वो हम स्किप करेंगे अगर आप चाहो क्योंकि इसकी कॉपी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहो तो आप उसको कवर कर सकते हो क्लियर बट हम श्योर इस चीज़ के लिए कि वो सारे क्वेश्चन उतने रेलिवेंट नहीं हैं सो so, वो हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्लियर देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन well साथ लर्न करते चलना आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द मैनेजर व्यू पॉइंट अक्वायरिंग ऑफ कैश रिजर्व ये एक्सपेंडिचर ऑफ कैश रैशनिंग ऑफ कैश करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है मनी से नहीं फाइनेंस के खर्चे से नहीं मॉनेटरी रिसोर्सेज की कहाँ कहाँ से हम पैसे रेस कर सकते हैं नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स को हम और क्या कहते हैं रिस्क कैपिटल कहते हैं ओनरशिप कैपिटल कहते हैं वेंचर कैपिटल कहते हैं करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज नहीं ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा डी ऑल ऑफ दीज ठीक नेक्स्ट शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग वो कंपनी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसको हम क्या कहते हैं उनके शेयर्स को हम क्या कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म है हाँ इंटरेस्ट मिलता इंटरेस्ट पे करना होता है येस दीज कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट येस करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां देखो बिजनेस फाइनेंस की बात नहीं क्या किसकी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये साइंस है आर्ट है साइंस एंड आर्ट बोथ है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा ए साइंस नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ़ फाइनेंस फंक्शन ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय हार्वर्ड एंड अपटॉन देखोगे ना तो बी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली इसी पे बेस्ड होते हैं डेफिनेशन बेस्ड तो इसीलिए यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं यहाँ आप साथी साथ ही साथ लर्न कर लेना क्वेश्चन नंबर नाइन भी लर्न करने वाला है तो आप लोग लर्न कर लेना अगेन क्वेश्चन नंबर टेन भी नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है फंड्स को अराइज करना फंड्स को रेज करना एज वेल एज फंड्स का प्रोक्योरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग येस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स येस एलोकेशन एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट येस करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है तो नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा एज वेल एज प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन होता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन नहीं फाइनेंसिंग डिसीजन है द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजनस आ तीन तरह के डिसीजन है पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन है फिर डिविडेंड uh, डिसीजन है एंड फाइनेंसिंग डिसीजन क्लियर ये सब तो हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया हुआ है अब देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन दी है एनुअल कैश फ्लो दिया पे बैक पीरियड सिंपल है फॉर्मूला नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है पे बैक पीरियड मतलब होता है कि अगर आज हमने एक लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाया है तो ये हमें कम से कम कितने साल बाद रिटर्न मिलेगा अब देखो दो लाख तो तुमने अपने पॉकेट से लगा दिया हमें हर बार चालीस हज़ार रिटर्न मिल रहा है इसका मतलब अगर हमें पाँच साल तक चालीस हज़ार मिलेगा तब हम जा करके अपनी वो वैल्यू रिकवर कर पाएंगे जो हमने इन्वेस्ट किए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फाइव ईयर्स फॉर्मूले पे मत जाओ फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट समझो अब मशीन की कॉस्ट है सिक्सटी थाउजेंड वर्किंग लाइफ है सिक्स ईयर्स स्क्रैप वैल्यू है आठ हज़ार क्लियर अब देखो इसको हम सिक्सटीन थाउजेंड से डिवाइड नहीं करेंगे क्लियर हमें तो पूरा सिक्सटी थाउजेंड ही देखना है कि ये साठ हजार कितने टाइम पे रिटर्न आएगा अगर हमें हर साल सोलह हजार रिटर्न आ रहा है तो सिंपली आप लोग क्या करना सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटीन थाउजेंड कर देना आंसर आएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव ईयर्स नेक्स्ट द पेबैक मेथड मेजर्स पे बैक मैथड यही बताता है कि कितने फ्रिक्वेंटली कितनी जल्दी हमें हमारा वो पैसा वापस आएगा जो हमने इन्वेस्ट किया है नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी इज़ कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कहाँ कंसिडर करते, करते हैं जब हम एन पी वी का कैलकुलेशन करते हैं तब नेक्स्ट अ कंपनी इज़ विलिंग टू इशू एट थाउजेंड फाइव परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इच एट अ डिस्काउंट ऑफ सिक्स परसेंट देखो एक्सपेंस दिया है बेटा और ये हमने के डी कैलकुलेट करना सबको बताया हुआ है सिंपली हम क्या करेंगे कि हंड्रेड रुपीज़ पे फाइव परसेंट का इंटरेस्ट है तो ये हो जाएगा फाइव अभी को मेरे पास टैक्स दिया नहीं है तो टैक्स हम नहीं कंसिडर करेंगे बट नेट प्रोसीड कितना होगा हंड्रेड रुपीज़ है ये हंड्रेड रुपीज़ का डिवेंचर्स इशू हो रहा है सिक्स परसेंट डिस्काउंट पे तो माइनस सिक्स हो जाएगा एंड साथ ही साथ हमारा एक्सपेंस है थ्री पॉइंट फाइव जीरो का तो वो भी हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी वो होगी नेट प्रोसीड की दैट इज़ नाइनटी पॉइंट फाइव बस अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा और इस पर ना हम इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएं तो हमें पता है कि आपको ये सॉल्व करना आता होगा इसका करेक्ट आंसर मेरा आ रहा है सी फाइव पॉइंट फाइव टू फोर एट परसेंट नेक्स्ट अगेन देखो इसमें हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है और होपफुल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली आप के ई कैल्कुलेट कर लोगे इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ए नेक्स्ट इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन अज्यूम अगर मान लो हमारे पास रेट ऑफ टैक्स नहीं दिया और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको टैक्स लेना है तो आप हमेशा कितना मान करके चलोगे फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट हमें के हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है देख लेते हैं हमारे पास 1200 हंड्रेड इक्विटी शेयर है हंड्रेड ईच का मार्केट प्राइस बेटा दी हुई है और डिविडेंड दिया हुआ है तो जब मार्केट प्राइस दिया है इसका मतलब ये एग्जिटिंग शेयर्स है सिंपली हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 हंड्रेड सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड यही करते हैं हमने फार्मूला भी बताया था डी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सेशन नहीं देखा है तो हम यही बोलेंगे कि पहले आप कॉन्सेप्ट सेशन देख लो करेक्ट आंसर आ रहा है सी नेक्स्ट इफ़ रियल वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या कह रहा है कि जो रियल वैल्यू है शेयर्स की वो किससे कम है बिजनेस की बुक वैल्यू से तो हम किस सिचुएशन में है ओवर कैपिटलाइजेशन में द एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है फाइव लैख इन द सेम बिजनेस रेशियो ऑफ रिटर्न कैपिटल इम्प्लॉय ट्वेल्ल पॉइंट फाइव परसेंट सिंपली हमें कैपिट करना है तो अगर हमारी हर साल की इनकम फाइव लाख है और रिटर्न कितना है ट्वेल्व लैक डिवाइडेड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी कि ओवरऑल जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हम कितना अर्न कर लेंगे फोर्टी लैक्स नेक्स्ट वेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द मार्केट प्राइस शेयर इज मैक्सिमम तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन अब ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है इस पर भी हमने क्लास अपलोड की हुई है आइडियल रेशियो क्या है सॉल्वेंसी के लिए टू इज टू वन एंड डेट इक्विटी रेशियो वन इज टू वन नेक्स्ट वट इज कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मूला यहाँ पे ना फॉर्मूला मिसिंग है क्लियर तो ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कट कर दे रहे हैं डिटर्मिनंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी होती है ये भी देखना होता है कि कितना कॉस्ट पड़ रहा है और क्या नेचर ऑफ बिजनेस है वट इज कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ हम डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट विच इज नॉट द काइंड ऑफ कैपिटल गियरिंग कैपिटल गियरिंग हाई गियरिंग भी हो सकता है लो गियरिंग भी हो सकता है बट मिड गियरिंग नहीं हो सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी विच इज नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सिंपली हम क्या कह रहे हैं डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन तो उसमें कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स से रिलेटेड होता है क्लियर नेक्स्ट इट इज नेसेसरी इन दिस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर की ऑर्डिनरी शेयर को हम कंट्रोल करें उसकी इनकम देखें रिस्क देखें करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस इट इज नॉट द कांड ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिड्यमेबल रिड्यूमेबल होता है क्यूलेटिवॉन क्यूमलेटिव होता है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है बट क्या शेयर प्रेफरेंसर हो सकता है नहीं डिबेंचर्स क्या होता है सिंपली डिबेंचर्स uh, मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो एक तरह का काइंड ऑफ लोन होता है उसको हम कहते हैं डिबेंचर्स तो अ परमिशन लेटर ऑफ डेट रिसीव बाय कंपनी नेक्स्ट बोरोड रेशियो स्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड रेशियो जो हम मार्केट से उधार लेते हैं वो किसके बीच में एक रिलेशन बनाता है लॉन्ग टर्म बोरो एंड टोटल कैपिटलाइजेशन नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म बैंक रिसोर्स लाइन ऑफ क्रेडिट रिवॉल्विंग क्रेडिट कंट्रोल रिवॉल्विंग क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवर ड्राफ्ट ऑल ऑफ द बफ फॉलोइंग इज अ नॉन बैंक रिसोर्सेज नॉन बैंक रिसोर्सेज में ट्रेड क्रेडिट भी है ओपन अकाउंट भी है प्रोमिजरी नोट्स भी है करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा हमने क्लास में बता दिया है जो हमने वर्किंग कैपिटल का नोट्स अपलोड किया है वह हमने बताया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट क्लियर हमारे पास टोटल असेट दिया है फिक्सड एसेट दिया है अगर हम इन दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा करंट एसेट नेक्स्ट करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन दिया है नेटवर्किंग कैपिटल पूछा है नेटवर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट करंट एसेट गिवन है करंट लाइबिलिटी है अगेन हमसे वर्किंग कैपिटल पूछा है दोनों को माइनस कर दो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा अब आप लोग बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है आता है एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो ये सब पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं क्वेश्चन में मेरे पास लिक्विड एसेट दिया है टोटल करंट असेट्स दिया है देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक विल भी हमने बताया था कि करंट एसेट में जर्नली हम लोग इन्वेंट्रीज नहीं इंक्लूड करते हैं हमने बताया था कि लिक्विड एसेट में जर्नलियम इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एसेट नहीं इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे टोटल करंट एसेट दिया है और लिक्विड एसेट दिया है। दोनों को माइनस कर दो तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मान रहे कि यहाँ पे लिक्विड एसेट में इन्वेंट्रीज नहीं इंक्लूड किया होगा क्लियर मनी मार्केट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नो डाउट ये मनी सेवर एंड इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन इन द ईयर सेवन कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज थे नाइन ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं वट आर द मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फिक्स बाय सेबी फॉर द मिनिमम कमीशन एजेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ सेबी एंड दोज एजेंट्स हु वर्क इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी जो जुड़े हुए उनके लिए थ्री परसेंट एंड जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको सिक्स परसेंट नेक्स्ट इन विच ईयर सेबी वॉज इस्टैब्लिश्ड एटीन ऑफ नवंबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स इन विच ईयर एन एस सी ऑफ इंडिया इस्टैब्लिश्ड ट्वेंटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी थ्री वट आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट मनी मार्केट का काम क्या है बेसिकली लोगों को एनकरेज करना कि अगर उनको फंड्स चाहिए तो वो रेस कर सकते हैं है ना एंड फाइनेंशियल गेन्स के बारे में बताना इंफॉर्म करना तो करेक्ट आंसर क्या है डी ऑल ऑफ दा आज का लास्ट क्वेश्चन ओ टी सी ई आई स्टार्टड फंक्शनिंग फ्रॉम विच ईयर अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी टू अब यहाँ देखो हमने फिफ्टी एम सी क्यूज़ डिस्कस कर लिए है। हैं रिमेनिंग फिफ्टी एम सी क्यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और देखो ये सारे क्वेश्चन ना क्योंकि बी कॉम की बुक के ही हैं तो नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना उम्मीद करता है आपको आज की क्लास समझ आई होगी प्रॉपरली अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना रीज़न बिंग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट तो किया करो हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच